दोस्तों नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका ने LCA तेजस लिफ्ट का जो वर्जन है वो 300 की संख्या में लेने का डील को कंफर्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पक्की खबर है, A to Z समझेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे। जी हाँ दोस्तों, आज से करीब 2 महीना पहले अमेरिका ने 3 कंपनी को RFI जारी किया था। RFI मतलब रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। पहली कंपनी है भारत की HAL जो कि LCA तेजस लिफ्ट को वर्जन को बनाती है, और दूसरी है साउथ कोरिया और लॉकेट मार्टिन मिलकर एक फाइटर जेट बनाती है, और तीसरी कंपनी है बोइंग को। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी आखिर अमेरिका भारत से या फिर लॉकेट मार्टिन से फाइटर जेट क्यों ले रहा है। देखिए, उसके जो US नेवी में बड़े बड़े US निमित जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो उसमें करीब से 200 से 150 फाइटर जेट आराम से रखे जाते हैं। तो उसके लिए जो ट्रेनिंग फाइटर जेट की ज़रूरत है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में अमेरिका के ट्रेनर एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहे हैं। तो उसी के लिए 3 कंपनी का RFI जारी किया था। 3 में से कोई भी कंपनी से अमेरिका को ट्रेनर वर्जन एयरक्राफ्ट की सख्त ज़रूरत है अभी बहुत ही जल्दी में। तो इस 3 कंपनी में से कोई भी कंपनी के पास अभी सिर्फ भारत को HAL का LCA तेजस को छोड़ करके कोई भी कंपनी के पास अभी सर्विस मोड में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने एक RFI जो जारी किया था, तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उस RFI में A to Z जितने भी चीज़ की डिमांड थी उस एयरक्राफ्ट में सभी कुछ LCA तेजस में है, और उसका प्राइस से लेकर के A to Z एवियोनिक्स रडार से लेकर के उसका सब कुछ दे करके RFI में सबमिट कर दिया गया था। उसके बाद करीब 1 से 2 महीने तक अमेरिका के द्वारा कोई खबर नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पर गंभीरता से सोचा है। एकदम 95% से ज़्यादा है कि LCA तेजस कोई लिया जाए। तो यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि सिर्फ तेजस लेने से पूरी दुनिया में ही जो इंडिया की छवि होगी वो बहुत ही ऊंचा हो जाएगा डिफेंस के मामले में, और आखिर और भी दुनिया भर के देश भारत से उस तेजस को लेना चाहेंगे। अभी तेजस MK2 भी आने वाला है। तो मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ तक समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।